नमस्कार, ओके क्रेडिट देख रहे हैं आप और आज हम बात करेंगे बहुत ही यमी चीज़ के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आइसक्रीम के बारे में। आइसक्रीम का नाम सुनते ही खासतौर पर लड़कियों के मुंह में तो पानी आ जाता है और जिनको मीठा खाने का शौक़ है उनके लिए आइसक्रीम से बड़ा अच्छा डेजर्ट कोई और नहीं हो सकता। लेकिन आइसक्रीम बेच कर भी क्या आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी ब्रांडेड आइसक्रीम के बारे में जिसके बारे में हमने और आपने कई बार सुना है और कई बार चखी भी है। बात कर रहे हैं अमूल आइसक्रीम की। तो आपको बता दें कि स्पेसिफिकली हम आइसक्रीम की बात नहीं करेंगे, पूरी तरह से अमूल की बात करेंगे, क्योंकि अमूल भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाकी कंपनीज की तरह अपनी फ्रेंचाइजीज देता है और कोई भी व्यक्ति अमूल की फ्रेंचाइजी खरीद सकता है। बस कुछ नियम हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको पूरे करने पड़ेंगे और फिर आप भी अमूल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार फ्रेंचाइजी कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहली फ्रेंचाइजी की बात करेंगे। अमूल प्रीफर्ड आउटलेट या अमूल रेलवे पार्लर या अमूल क्योसिक, इस फ्रेंचाइजी के लिए आपको ऐसी जगह चूज करनी है जहां पर अच्छी मात्रा में लोगों का आना जाना है। कंपनी के रूल्स के मुताबिक किसी रेलवे स्टेशन, मार्केट, स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल के आसपास इस तरह की फ्रेंचाइजी को खोला जा सकता है और इसके लिए आपको कम से कम 100 से लेकर 150 स्क्वायर फीट बड़ी दुकान की जरूरत पड़ेगी। खास बात यह है कि इसमें आपको केवल 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। 2 लाख रुपए में से 25,000 रुपए नॉन रिफंडेबल ब्रांड प्रोटेक्शन के तौर पर आपसे अमूल कंपनी द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद दुकान के रेनोवेशन करवाने और उपकरण को खरीदने पर आपका 1 लाख रुपए 75,000 रुपए तक का खर्च आएगा। इस तरह से ये फ्रेंचाइजी लेने पर कुल खर्चा 2 लाख रुपए के आसपास का होगा। किस प्रोडक्ट पर कितना कमीशन होगा ये आपको बता देते हैं। अमूल द्वारा अमूल आउटलेट पार्लर क्योसिक के जरिए बेचे जाने वाले अमूल उत्पादों पर अलग अलग तरह का एवरेज रिटर्न्स ऑन एमआरपी निर्धारित किया जाएगा। अगर आप पाउच मिल्क बेचते हैं तो आपको एमआरपी पर एवरेज रिटर्न्स 2.5% मिलेगा। मिल्क प्रोडक्ट्स बेचने पर आपको एमआरपी पर एवरेज रिटर्न्स 10% दिया जाएगा। इसके अलावा अमूल कंपनी की आइसक्रीम बेचने पर आपको एमआरपी पर एवरेज रिटर्न्स 20% दिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अमूल की दूसरी फ्रेंचाइजी की, अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर। आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर भी एक तरह की दुकान होती है जहाँ पर कई तरह की आइसक्रीम्स को बेचा जाता है। इस तरह के पार्लर में जाकर कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की आइसक्रीम को कप या फिर कोन के अंदर ले जा सकता है और चाहे तो उसी दुकान में बैठकर अपनी आइसक्रीम को खा सकता है। आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर में शेक्स, पिज्जास, सैंडविच, बर्गर, हॉट चॉकलेट ड्रिंक, कॉफ़ी जैसी भी चीज़ें बेची जाती हैं। ये दुकान आप किसी स्कूल, मार्केट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसी जगह पर ही खोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी इन 6 लाख रुपए में से अमूल कंपनी 50,000 रुपए नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर आपसे लेगी। दुकान की रेनोवेशन पर आपका करीब 4 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। उपकरण जैसे फ्रिज, मिक्सी और एसी पर 1,50,000 रुपए तक का कमीशन की बात करें तो आपको प्री पैक्ड आइसक्रीम बेचने पर 20% एवरेज रिटर्न्स एमआरपी पर मिलेगा। अमूल कंपनी की आइसक्रीम बेचने के अलावा अगर आप इस कंपनी द्वारा बनाए गए बाकी प्रोडक्ट्स को इस पार्लर में बेचते हैं तो उन पर आपको एमआरपी पर 10% तक कमीशन मिलेगा। अगर आप शेक, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, हॉट चॉकलेट ड्रिंक जैसे सामान अमूल पार्लर खोलकर बेचते हैं तो आपको इन सामानों की बिक्री पर 50% मुनाफा मिलेगा। कैसे करें अमूल फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन? तो सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा अमूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आगे क्या करना है देखिए। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें आप मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट कर दें। फिर आपको अमूल की तरफ से कॉल या ईमेल भेजा जाएगा। अमूल फ्रेंचाइजी के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 026-922-21258। इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अमूल पार्लर, अमूल स्कूपिंग पार्लर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए www.amul.com पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। retail@amul.coop
amul.coop पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। अमूल फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ी अन्य बातें। अमूल की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आप जिस दुकान का चयन करते हैं, आपको उस दुकान का रेनोवेशन अमूल कंपनी द्वारा बताए गए तरीके और डिजाइन के हिसाब से करवाना होगा। कंपनी को आप जो पैसे ब्रांड डिपॉजिट के तौर पर देंगे, उन पैसों को कंपनी एक साल के लिए अपने पास डिपॉजिट करके रखेगी। अगर आप इस फ्रेंचाइजी को बीच में ही बंद कर देते हैं तो आपको ये पैसे एक साल के बाद ही मिलेंगे। आपको कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के बाद किसी भी जगह जाकर इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमूल कंपनी के थोक डीलर आपकी शॉप पर ही आकर आपको अमूल कंपनी के प्रोडक्ट्स दे दिया करेंगे, और ऐसा करने से आपका काफी समय भी बचेगा। और अगर मुनाफे की बात करें तो आप अमूल की फ्रेंचाइजी लेकर 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपने किस जगह पर दुकान खोली है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप स्कूल, कॉलेज या फिर ऐसी जगह पर दुकान खोलते हैं जहां पर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट और डिमांड ज़्यादा है, तो वहां पर आपकी दुकान ज़्यादा चलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको किसी तरह की कोई रॉयल्टी नहीं देनी है और ना ही किसी तरह से कंपनी के साथ, अमूल कंपनी के साथ अपने मुनाफे को साझा करना है। तो चलिए, अगर आप भी सोच रहे थे कोई इस तरह का बिजनेस करने का या फ्रेंचाइजी लेने का, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हमने बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहेंगे बिजनेस को लेकर, कमेंट बॉक्स पर लिखिए, फीडबैक दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।